श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय बैठा हूँ ग्राम सभा सखुई मेठौरा ब्लॉक महाराजगंज जिले में, और हमारे साथ हैं राम प्रसाद पटेल जी जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पे इनकी भाभी श्रीमती सरिता देवी जी प्रधान हैं। प्रधान जी को काफ़ी लंबे अरसे से अनुभव है प्रधानी का, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है ग्राम सभा से हमेशा जुड़ा रहा विकास को लेकर। जो अन्यत्र प्रधान लोग हुए कहीं ना कहीं इनके सहयोग के द्वारा ही वो लोग हुए, और उनको ये दिशा निर्देश देते रहे जो आज कहीं ना कहीं विकास के रूप में ग्राम सभा सखुई में दिखाई भी दे रहा है, हम लोगों ने देखा भी उसे। हम जानना चाहेंगे प्रधान जी से उन मुद्दों को जो कहीं ना कहीं विकास को लेकर धनाभाव के कारण ग्राम सभा उपेक्षित रह जाता है, उन विषयों पर मैं बात करूंगा प्रधान जी से। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के। जी सर धन्यवाद सर। हम आपसे बात करना ये चाहेंगे कि अभी मान लीजिए प्रधानी को करीब एक साल से ऊपर होने को आया, अभी तक आपने क्या ग्राम सभा में विकास को लेकर किया? सर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मैंने मेरे बीते वर्ष में हमने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मनरेगा पार्क, खेल मैदान, स्कूल की बाउंड्री, ये सब चीज़ें सरकार द्वारा कराई जा रही हैं। तो मेरे यहाँ सौभाग्य की बात है कि मैं तीनों मनरेगा पार्क भी हमने बहुत सुंदर बना के पहले दे दिया, खेल मैदान भी हमने बहुत सुंदर बनाया है, स्कूल बाउंड्री भी सर जी बहुत अच्छा बन गया है हमारा। तो सर इन सभी योजनाओं को, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को, मैं अपने वहाँ शत प्रतिशत लागू कर रहा हूँ और लोग उससे खुश भी हैं। विकास को देख के कह रहे हैं कि अब कोई काम हो रहा है। जो शहरों में पार्क देखने को मिलते थे, खेल मैदान देहातों में ऐसा नहीं था गाँव क्षेत्र, लेकिन अब गाँव में भी दिख रहा है भारत सरकार की योजनाओं से, राज्य सरकार की योजनाओं से अब गाँव में भी मनरेगा पार्क, खेल मैदान, स्कूल बाउंड्री। मैंने सर्वप्रथम बरीता के तौर पर मेरे वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो काफ़ी पिछित खराब हो चुका था, सबसे पहले मैंने राजवित के पैसे से उसको टाइलीकरण, बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं पहले मैंने हॉस्पिटल को वरीयता दिया। फिर शिक्षा क्षेत्र में हमने गया और शिक्षा में विद्यालय को, हमारे वहाँ 2 विद्यालय हैं तो जूनियर और प्राथमिक विद्यालय, तो हमने दोनों को कायाकल्प की तरह से, गवर्नमेंट की कायाकल्प की योजना चल रही थी उसके तहत सारी व्यवस्थाएं हमने कायाकल्प की भी हमने पूरा करा दिया है। आज बच्चे की संख्या जो हमारे पिछले में बेहतर बच्चे की उपस्थिति हो रही है, तो विद्यालय आज हमारा बहुत बेहतर हो गया। पंचायत भवन हमने अपने घर से बेहतर मैंने बनाया है पंचायत भवन, अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर। हमने POP सारे सॉल्डिंग वोल्डिंग सब हमने बहुत बेहतर, पंखा बेसिन सारी चीज़ें पंचायत भवन भी, चूँकि हमारा पंचायत भवन बहुत पहले का है, छोटा है, बस 2 कमरे का है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन उसको भी हमने खूब खूबसूरती से सजाया है, हमने काम किया है सर, और आज हमारा गांव बेहतर चल रहा है सरकार की योजनाओं से। ये तो सर अभी आपने विकास जो किया उसके बारे में, बहुत कार्य ऐसे होते हैं जो धनाभाव के कारण कहीं ना कहीं ग्राम सभा उपेक्षित रह जाता है, ऐसे क्या मुद्दे हैं सर जो आप चाहते हैं ग्राम सभा में हो? जी सर, उसमें हम चाहते हैं सर जी कि धनाभाव हमेशा रहा, 2011 से कोई धन का बढ़ाया नहीं गया और धनाभाव हमेशा ग्राम पंचायतों में बना रहता है। लेकिन जैसे गांव में छोटे छोटे वर्क तो ग्राम पंचायतें करा लेती हैं, लेकिन लंबे लंबे वर्क जैसे एक गांव एक टोले से दूसरे गांव को जोड़ना, दूसरे गांव से दूसरे गांव को जोड़ना, अपने ही गांव कई टोले में हैं तो कच्चे मार्ग से हैं जो कि आने जाने में बरसातों में संपर्क टूट जाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर धन ग्राम पंचायतों को दी जाए तो उस गाँव से टोलों से जुड़ाव हो जाए तो भी बरसात की दिक्कत में भी दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ सर धन अभाव की दिक्कत होती है क्योंकि लंबे लंबे 300, 400, 500 मीटर की दूरी में बटे हुए हैं और ग्राम पंचायत से कराने में दिक्कत होती है सर। और सबसे बड़ी समस्या कि जो भी विकास के पैसे हैं उसमें भी पंचायत सहायक, वो स्वास्थ्य समुदाय शौचालय की सफाई करने वाले समूह को हम लोग 9, 6, 15 हज़ार और 5 हज़ार रुपये ग्राम प्रधान का मानदेय स्वयं, तो 20 हज़ार सर एक महीने में केवल मानदेय में खर्च हो जा रहा है। तो ये भी सर 12×24 240,000 रुपये प्रतिवर्ष विकास के पैसे को हमने मानदेय में जा रहा है, तो भी कहीं कहीं दिक्कत आ रही है सर जी गांव में विकास कराने में, क्योंकि गांव सीधे एक ऐसा मंच है कि चुनाव जीतने के बाद यही काम करना होता है और डेली अगर जब भी आपको पब्लिक से मुलाकात होगी तो जवाब देना पड़ता है। तो सर वहाँ हर पब्लिक की उम्मीद होती है हर प्रधान से कि अगर हमारे प्रधान आए हैं तो बेहतर करेंगे, तो बेहतर किया जा रहा है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको चलाया जा रहा है। लेकिन अगर सर धन की समस्या को अगर दूर होती है तो लंबे लंबे वर्क भी ग्राम पंचायतें करा लेती हैं, जो जिला पंचायत POD कराती है वो भी अधिकार ग्राम प्रधानों को मिलने चाहिए कि अपने कम से कम एक और टोलों से जोड़ने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को, ताकि वो भी काम करा सकें। पहले कच्चे वर्क होते थे, पक्का खड़ंजा तक सीमित था, लेकिन आज
भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने सीसी रोड भी दे दिया ग्राम पंचायतों को कराने के लिए, और उसका लाभ भी मिला है, गांव में सीसी रोड मिला। लेकिन सर, एक दूसरे के संपर्क में जोड़ने का काम अगर गवर्नमेंट कर देती तो ये हम लोग के लिए बहुत बेहतर होता और गांव के लिए भी बहुत बढ़िया होता। आप जल निकासी की बात कर रहे हैं? हाँ सर, जल निकासी में भी हमारे वहाँ जैसे सर सबसे बड़ी समस्या होती है जल निकासी में, तो हमारे वहाँ सर दो नालियाँ तो लंबी लंबी हैं, तो अगर उसमें धन सर ज़्यादा लगना है तो हमें तो हमेशा दिक्कत आती है सर धन की ओर लेके, कि जल निकासी में अगर नालियाँ को बना दिया जाता तो बहुत बेहतर, और ग्राम सभा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं सर जी कि बड़ी बड़ी नालियों को बना सकें, तो इसलिए सर हम लोग खंड में बनवाने की कोशिश कर रहे हैं खंड खंड में, लेकिन काफ़ी समय लग जाता है। तो सर अगर धन के अभाव में यही दिक्कत है, अगर धन सरकार जो मानदेय की व्यवस्था है इसको पृथक करके अलग से बजट जारी करके उनको मानदेय देते हैं, कि चूँकि विकास के पैसे विकास में लगते हैं, तो ये सब कोशिश रहती है सरकार आपके माध्यम से अगर इस बात को हमारी सुनती है तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हर धान से कहीं कहीं गांव की किस्त छोटी हैं, 22,000-23,000 की किस्त हैं, तो वहाँ सर महीने का मानदेय 20,000 में चला जा रहा है, तो सर वहाँ और भी दिक्कत हो रही है। तो इसकी प्रधान जी जो मानदेय की बातें हैं, कहीं ना कहीं अक्सर मैंने हर प्रधान से इस पीड़ा को सुना है कि जो मानदेय दे दिया जाता है, तो क्या सरकार इसका कहीं से अन्यत्र व्यवस्था करती है या क्या करती है कि आप कहाँ से दीजिए मानदेय? नहीं सर, अभी सरकार कहीं अन्यत्र व्यवस्था नहीं कर रही है, सरकार जो भी विकास के पैसे आ रहे हैं उसी में से ही उनको भी मानदेय देने का काम किया जा रहा है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जो विकास के कार्य के पैसे हैं उनको आप किसी मानदेय में देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रधान को ये मजबूर करती है कि आप उससे चोरी करिए और उन्हें दीजिए? नहीं नहीं, इसमें चोरी की बात नहीं है सर जी, सरकार की चूँकि व्यवस्थाएं हैं, सरकार को कहीं कहीं से मानदेय देना हो देना रहता है, तो इस वक्त वो विकास के पैसे ही से ही दे रहे हैं, अगर वो अलग से व्यवस्था कर देते तो विकास का पैसा विकास में लगता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब प्रधान जी ये था कि मान लीजिए विकास के कार्य के लिए पैसा आया जी सर, भी आपको देना है जी सर, उसमें जब ये लिखित नहीं है कि इनको इतना मानदेय देना है, इतने में विकास कराना है, तो फिर कैसे आप कर सकते हैं? उसमें लिखित रहता है, उसमें तय किया गया, जैसे कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर को 6,000 रुपये प्रतिमा जो नई नियुक्ति है ये देने का कार्य कर रही है, और जो समूह की महिलाओं को जो सामुदायिक शौचालय पर कार्य कर रही हैं उनको 6,000 रुपये मानदेय के रूप में, और 3,000 रुपये स्टेशनरी यानी उसके फिनाइल साबुन ये सब चीज़ें खरीदने के लिए 3,000 गवर्नमेंट देती है, तो रुपया तो तय है कि इनको इतना देना है, लेकिन सर वो पैसा विकास के पैसे से दिया जा रहा है, ये दिक्कत है सर, उनको अगर आप अलग से व्यवस्था कर देते तो बेहतर है। इस बात को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री तक अपने संगठन के माध्यम से पहुंचाया भी है, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। यानी जो विकास के कार्य मानदेय के आते हैं, मानदेय दिया जाता है, तो वो लिखित रहता है कि मान लीजिए मानदेय देने के बाद जो बचता है उसमें आप विकास कार्य करवाए? हाँ, होता है सर कि जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उसको मानदेय तो हर हाल में देना, क्योंकि पब्लिक काम कर रही है तो काम करने का पैसा तो देना ही है, तो सर पहले सर्वप्रथम वरीयता क्रम में हमारी गवर्नमेंट मानदेय दिलवाती है, उनको मानदेय देने के बाद जो पैसा बचता है तो फिर उसको हम लोग वार्षिक कार्य योजना के हिसाब से जो जरूरी पड़ते हैं कार्य जो कराने अति आवश्यक होते हैं उसके हिसाब से उस पैसे के हिसाब को देखते हुए कराया जाता है सर। ये प्रधान जी ने जो बातें करी बड़ी गंभीर विषय है, और कहीं ना कहीं हर प्रधान इससे पीड़ित हैं, सारे प्रधान लोगों का एक ही कहना है कि गवर्नमेंट इसका अन्यत्र कहीं से अगर व्यवस्था कर देती तो जो विकास के कार्य के पैसे हैं वो विकास में जाते और ग्राम सभा में समुचित रूप से विकास हो पाता, नहीं तो एक हमेशा बना रहता है कि उसी में से उनका मानदेय भी देना है, जो बचता है उसमें विकास करवाना है, तो ग्राम सभा कहीं ना कहीं हमेशा उपेक्षित ही रह जाती है। प्रधान जी, इस समय प्रशासन आपकी बातों को सुनता है कि नहीं, जब से आप प्रधान हुए हैं? नहीं, जब प्रशासन तो सुनता है, प्रशासन एक्टिव है, लेकिन सर उसमें भी एक बात कहनी थी कि जैसे सर इतने पैसे लगा के भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को सार्वजनिक जगहों पर बनाया जा रहा है, प्रधान या गांव का पब्लिक 24 घंटे तो रखवारी कर नहीं सकता है, उसमें सर प्रशासन को अगर ये निर्देशित आपके माध्यम से अगर हमारी सरकार सुनती है तो उसमें निर्देशित कर देती कि सरकारी